बच्चों, आज हम सीखेंगे एक इंटरेस्टिंग देंगे वाली रोचक वाली कहानी। कहानी है मीटू राम की परेशानी। मीटू राम की परेशानी मैंने ऑनलाइन पे आपको ऑलरेडी सिखाया है, फिर भी नेटवर्क इश्यू के वजह से पूर्ण आपने सीखा नहीं होगा, तो मैं आपको फिर से एक बार सिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ देखिए मीटू राम के सबको अपना पेज नंबर 8 वाला जो है वो ओपन करके रखना है, और फिंगर ऑन द लाइन यू शुड कीप एंड यू मस्ट कीप, तभी जाकर आपको वर्ड्स का आइडेंटिफाई होगा और शब्दों का आपको रिकॉग्नाइजेशन होगा। ठीक है, तो चलिए मीटू राम की परेशानी के बारे में आज हम सीखेंगे। एक तोता था जिसका नाम मीटू राम था, वह पिंजरे के अंदर रहता था और वहीं सोता था। वह पिंजरा ही मीठू राम का घर संसार था। मीठू राम की एक विशेषता थी कि वहां उसकी आवाज बहुत मीठी थी, वहां बहुत अच्छा गाना गाता था, परंतु एक विशेष बात यह थी कि वहां बस रात को ही गाना गाता था। एक रात की बात है, मीठू राम गाना गा रहा था तो अचानक से उसके पास एक उल्लू आ बैठा। उल्लू ने मीठू राम से पूछा कि तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है, तुम सुबह गाना क्यों नहीं गाते, सिर्फ रात को ही क्यों गाना गाते हो? मीठू राम ने उल्लू की बात सुनी और उसका रात का गाना गाने का कारण बताते हुए बोला कि एक बार मैं दिन में गाना गा रहा था, रात का समय जंगल में मैं गाना गा रहा था, तभी वहां से एक शिकारी आया और उसने मेरी आवाज सुनी, उसे मेरी आवाज पसंद आई और उसने मुझे पकड़ लिया। उस दिन से आज तक मैं इस पिंजरे में कैद हूं। उल्लू को अपनी बात बताते हुए मीठू राम बोला कि उस दिन से मैंने यहाँ सीख लिया है कि दिन के समय गाना मेरे लिए बहुत मुसीबतों का कारण बन सकता है, इसीलिए अब मैं बस रात्रि के समय गाना गाता हूँ। मीठू राम की यह बात सुन उल्लू बोला कि यह निर्णय तो तुम्हें पकड़ जाने के पहले ही लेना चाहिए था। कई कई बार हम गलतियां करने के बाद ही उससे सीखते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर बार कुछ सीखने पर ही गलतियां की जाए। तो यहाँ पे क्या है, एक मीठू राम करके एक तोता था। मीठू राम इतना अच्छा गाता था कि उसकी आवाज बहुत सबके मन को भाती थी, और मीठू राम को एक पिंजरे में बंद कर लिया गया था और वहाँ उसी में ही रहता था, उसी में ही सोता था और उसी में ही खाता पीता था, और वो पिंजरा ही उसका घर संसार बन गया था। तो मीठू राम ने क्या किया कि एक दिन का समय था, रात का समय था, जब मीठू राम मीठे आवाज में गा रहा था, तब खिड़की के पास बैठा हुआ एक उल्लू ओल आउल जो है उसके पास आकर उसे बोला कि तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है और तुम दिन में गाना क्यों नहीं गाते। तो मीठू राम ने बोला कि यहाँ मैं दिन में गाना गाता था, एक दिन का समय था, जंगल में मैं जब दिन में गाना गा रहा था तब एक शिकारी ने मुझ पर शिकार करके, यानी कि उस पर आक्रमण करके उसने उसको पकड़ लिया और तब से वो पिंजरे में कैद है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि दिन में गाना मेरे लिए खतरा है, यानी कि मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए मैंने दिन में गाना गाना छोड़ दिया है और बस मैं रात में ही गाना गाता हूँ। तब उल्लू ये सब बातें सुनकर कहता है कि यहाँ तो पहले तुम्हें गाना गाने से पहले, पिंजरे में आने से पहले सोचना चाहिए था। जो तुम्हें अभी सोच रहे हो, जो गलती की है अभी, उसके बारे में सोच के क्या फायदा, गलती करने से पहले सोचना चाहिए था, करके वो उल्लू कहता है। यहाँ से आपको क्या सीख मिलती है कि गलती करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और गलती करने के बाद पश्चाताप करें
इसका कोई भी मतलब नहीं होता। यदि आपको अच्छा कार्य करना है तो इसके लिए 10 से 1200 बार सोचकर सही निर्णय लेना उचित है। और जो हड़बड़ी में आके जल्दबाजी में निर्णय लेना है, यहाँ गलत बात है। और जो यहाँ पे ये मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि गलती करने के बाद पश्चाताप करें और उसको सही करने के लिए जाओगे तो वो सही नहीं कहलाएगा, वो गलती होगा और आप उससे बच नहीं पाओगे। जो गलती किया है उसका सज़ा तो भुगतनी पड़ती ही है। इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी कार्य करने से पहले आपको 10 या 20 बार यानी कि कम से कम आपको जो सही लगे उसके बारे में सोच कर ही आपको निर्णय लेना है। यह रहा मीठू राम की स्टोरी, नहीं तो आपको भी क्या होगा, मीठू राम की तरह ही परेशानियाँ, बंद पिंजरे में कैद कैसे मीठू राम है उस तरीके से आपको भी रहना पड़ेगा। इसीलिए जो भी कार्य करते हो सोच समझ कर कीजिए, यहाँ ही या मीठू राम की परेशानी का स्टोरी का मॉरल है। तो अभी आपके जीवन में भी आप जो भी घटनाएं यहाँ आएंगी उसको गलतियाँ करने के बजाय आप क्या करोगे, सोच समझ विचार करके ही आप आगे कदम उठाओगे, ठीक है। जो गलतियाँ की जाती है उसका पश्चाताप भरपाई कुछ गलतियाँ होने के बाद उसका भरपाई कर नहीं सकते, इसीलिए गलतियाँ करने से पहले आप सोच लिया कीजिए। यहाँ है ये पाठ का सारांश, ठीक है। अगले क्लास में हम मिलेंगे और कुछ नया वाला लेकर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।